नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है धनतेरस पर। जो आपको यम का दिया जलाना है वो आपको कितने दिन तक जलाना है, क्योंकि धनतेरस से जो त्योहार है वो शुरू हो जाते हैं, और जो दिवाली का त्योहार है 5 दिनों का होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस भी बोला जाता है, यानी जिसे छोटी दिवाली भी बोला जाता है, और बड़ी दीपावली, फिर उसके बाद आ जाता है अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा, फिर आ जाता है भाई दूज। तो ये 5 दिन का त्योहार होता है और धनतेरस से शुरू हो जाता है। तो धनतेरस पर हमें क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, इसकी वीडियो आप लोगों को मिल ही चुकी है। और धनतेरस पर आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि पूजा कैसे की जाती है, तो उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि धनतेरस पर जो सिंपल सी साधारण सी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, और जो धनतेरस पर यम का दिया जलाएंगे तो वो हमें कितने दिन तक जलाना है, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धनतेरस कब है। तो जी, धनतेरस है 2 नवंबर की, और 5 दिन का त्योहार है, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तारीख तक ये त्योहार चलेगा। तो जो यम का दिया हमें लगाना शुरू करना है वो हमें लगाना होगा 2 तारीख की शाम को, जब हम घर की जो थोड़ी पूजा जो करते हैं वो पूजा करने के बाद यम का दिया सबसे आखिर में हमें लगाना होगा। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकली आपको करके बता देती हूँ कि यम का दिया आपको कैसा लेना है, तेल कौन सा लेना चाहिए आपको, और जो यम का दिया है सीधा जमीन के ऊपर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो जो यम का दिया होता है, अगर हम 5 दिन जलाते हैं अपने मुख्य द्वार के पास, तो कहते हैं कि अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, यम की यातना नहीं सताती, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो त्योहार तो ये 5 दिन का होता है, 5 दिन यम का दिया जलाया जाता ही जाता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जलाते थे, तो क्योंकि ये परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे हम इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को या आने वाले बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि यम का दिया कितने दिन जलाया जाता है, बस उन्हें ये पता होता है कि धनतेरस है, सोना चांदी खरीद कर लाना है बस, और कोई नई चीज घर में खरीद कर लानी है, और छोटी दिवाली आगी और बड़ी दिवाली आगी, इससे ज्यादा नहीं पता होता। तो ये 5 दिन का त्योहार होता है, जैसे कि धनतेरस है, तो जो खरीद कर लाना होता है वो तो खरीद कर लाने हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो जरूरी नहीं कि सोना चांदी खरीद कर लेकर आया जाए, आप झाड़ू लेकर आए, अपने घर में चाहे एक छोटी सी चम्मच लेकर आए, वो मैंने पिछली वीडियो में सारा डिटेल में आप लोगों को बताया ही है। तो धनतेरस के दिन यम का दिया जलाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि नाम है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन जो एक यम का दिया जलता है वो तो जलेगा ही जलेगा, उसके अलावा जैसे 13 धनतेरस है तो 13 दिए जरूर जलाए जाते हैं। जैसे एक तुलसी के पास जला दो, एक आंवला में जला दो, एक आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर जला दो, या घर के आसपास कोई मंदिर है वहां जला दो, आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं वहां जैसे अंधेरा रहता है तो वहां जाकर जला दो। तो कहते हैं कि अगर जहां पेड़ पौधे लगे होते हैं, यानी कि जहां आपने गार्डनिंग कर रखी है, अगर वहां अंधेरा रहता है, और अगर दिवाली के इन 5 दिनों में अगर वहां आप दीपदान करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। घर के मंदिर में दिया लगाएं, तो ये 13 दिए आप अपने घर में लगाएं, घर की छत पर रख कर आएं, घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, तो ये 13 दिए आपको इस तरीके से लगाने हैं। फिर नरक चतुर्दशी आती है तो आपको 14 दिए, ये भी आपको वीडियो आगे मिलेगी कि नरक चतुर्दशी पर कितने दिए आपको लगाने हैं। तो सिर्फ आज धनतेरस की बात हो रही है, तो धनतेरस पर आपको 13 दिए लगाने हैं, और उसके अलावा आपको जो दिया लगाना है यम का दिया, जो 4 मुखी भी हो सकता है, 1 मुखी होता है, या कुछ लोग जो है उस दिए को पुराना दिया भी यूज करते हैं। हमारे जैसे मेरे मायके में रिवाज है कि पुराना दिया जो पिछले साल का रखा होता है, तो उसी दिए से हम जो यम का दिया है धनतेरस के दिन जलाते हैं। जो बातियां बनाई जाती है कि वो बातियां कैसे बनाई जाएगी, तो चलिए अब थोड़ा सा आपको पूजा विधि भी बता देती हूँ,
और थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि दिया हमें कैसे लगाना है, कब लगाना है, और दिया हमें किस दिशा में लगाना है। अगर फ्लैट में रहते हैं तो कहाँ रखना है, अगर पूरा जैसे पूरी बिल्डिंग ही आपकी, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर घर आपका है, तो वहां आपको कैसे दिया लगाना है। तो चलिए आपको पूरा सामान दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा जब यम का दिया जलाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोग बोलते हैं कि मैम जब दिया जलाएंगे तो क्या तेल सरसों का ही लेना है या हम कोई और तेल ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूं कि आपको सरसों का तेल ही लेना है। और फिर बात करते हैं दिए की। तो जो दिया है आप चार मुखी भी ले सकते हैं, दिया आप एक मुख वाला भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है और आपके जो परंपरा है आप उसी हिसाब से करें। नया दिया लेने की परंपरा है नया दिया लें, अगर पिछले साल वाला दिया लेने की परंपरा है तो पिछले साल वाला यानी कि पुराना दिया लें। फिर हमें चाहिए होती है रुई की लंबी बाती। तो थोड़ा आपको ये बता दूं कि जो रुई की लंबी बाती है वो कैसे बनाई जाएगी। तो जो रुई की बाती है ये बनानी होगी लंबी, तो बाती हमें बनानी होगी लंबी, क्योंकि जब इसके अंदर बाती को रखेंगे तो जो बाती का मुख है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। तो बाती रुई से इस तरीके से बना लें। तो एक बाती ऐसे लगाई, तो दूसरी बाती भी ऐसे ही बनाएंगे। तो धनतेरस से आप 108 बाती के दिए लगाने शुरू कर सकते हैं 5 दिन। वैसे तो पूरे अगर महीने लगाते तो और भी अच्छा होता, लेकिन अगर धनतेरस से भी आप 5 दिन शुरू करते हैं, उसके बाद लास्ट के पंच भिखू करते हैं, तो भी ये काफ़ी अच्छा है। तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी कि आपको जैसे जो 108 बाती है वो कैसे बनानी है। तो जो रुई की बाती है थोड़ा हाथ गीला करेंगे तभी बनेगी, अदरवाइज जो रुई है वो हाथ में घूमेगी नहीं। तो ये देखिए, तो फिर ये दिया है, फिर हमें जो एक पैसा है वो लेना है। तो जरूरी नहीं है आपको कौड़ी लेनी ही लेनी है, क्योंकि कौड़ी भी डाली जाती है। वैसे तो कौड़ी वो डाली जाती है जिसके अंदर छेद बना होता है। अगर आपको कौड़ी नहीं मिलती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक सिक्का डालें इसके अंदर, और मैं आपको जलाकर दिया नहीं दिखाऊंगी। तो इसमें तेल डालें। तो आपको ये जो दिया है अपने घर के अंदर नहीं जलाना है, ये जो दिया हमें लगाना है घर के बाहर ही लगाना है। तो सभी घर के जब मेंबर घर में आ जाएं तब आपको दिया लगाना है। तो जो 13 दिए हैं वो पहले ही अपने घर के अंदर लगाकर, तुलसी जी में और सब जगह लगाकर, फिर घर से बाहर इस दिए को लेकर जाएं। आपको दिए में तेल डालकर पहले ही घर से बाहर लेकर जाना, लेकिन जलाकर नहीं लेकर जाना है। घर के मुख्य द्वार के पास जहाँ दक्षिण दिशा होगी वहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर उस जगह को साफ करना है। फिर उसके बाद वहाँ पर चावल या गेहूं की ढेरी लगानी है, या आप इसे डायरेक्ट चावलों को जमीन पर रखना चाहते हैं तो ऐसा रख दें, नहीं तो किसी प्लेट में थोड़े से चावल डाल लें। फिर उसके बाद इस दिए को उस अन्न की ढेरी के ऊपर, चावल या गेहूं दोनों में से कोई भी हो, अन्न की ढेरी के ऊपर इस दिए को आप रखेंगे, और फिर इसमें जो रोली है और चावल है उससे पहले गणपति जी की पूजा तो करेंगे ही करेंगे। जब बाकी दियों की पूजा करेंगे तो, क्योंकि धन्वंतरी की पूजा होगी, कुबेर जी की होगी, लक्ष्मी जी की होगी, और उस दिन गणेश जी की पूजा होगी, वो तो रोली चावल से हो ही जाएगी। तो जो यम का दिया होगा आपको फिर उस ढेरी पर रखकर जला देना है, क्योंकि कहते हैं कि जो यम का दिया है ये हमें मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाता है। और जो इसकी ये जो चार बातियां हैं, कहते हैं कि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। तो फिर आप बोलोगे कि मैम ये चारों बातियां हैं, कौन सी बातें किस दिशा में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि दिया आपको घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर लगाना है। फिर बात कर लेते हैं कि क्या 5 के 5 दिन यम का दिया नया लेना होगा। तो जी बिल्कुल, 5 के 5 दिन यानी कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपको जो यम का दिया लगाना है आपको नया ही लेना होगा। और जो चावल होंगे
वो भी आपको चावल भी नए लेने होंगे, जो पुराने चावल होंगे, पुराना दिया होगा उसको आप अगले दिन सुबह वहां से हटा देंगे। चावलों को आप किसी पार्क में डाल दें, वहां कोई जीव जंतु है, कोई कीड़े मकोड़े वो खा लेंगे। तो जो दिया है, दिया आप घर के आसपास ही किसी कच्ची मिट्टी में ले जाकर रख दें। तो ये है 5 दिन की आपकी पूजा, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की, जो आपको यम का दिया जलाना है। तो लेकिन ध्यान रहे, जो आप यम का दिया लगाएंगे, आपको घर का सारा काम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, जो दिए आप लगा लेंगे, घर के सदस्य जब घर में आ जाएंगे, उसके बाद ही रात को सोने से पहले आपको ये दिया लगाना होगा। उसके बाद आपको इस दिए को नहीं देखना है। कहते हैं कि यम का दिया जलाने के बाद उसे नहीं देखना चाहिए, तो कोशिश करें जब आप सोने जाएं उससे